वीडियो के अंदर हम बनाने वाले एक पावरफुल पोटैटो कैनन। तो हमारे पास है कुछ स्क्रू और एक पेचकस और एक पाइप के ऊपर एक पत्ती लगाई हुई है जो कि हमने प्लास्टिक के डब्बे को काट कर बनाई हुई है, और हमने एक बड़ा सारा ढक्कन एमसील की मदद से इस पाइप के ऊपर चिपका रखा है जो कि हम इस बोतल के ऊपर लगाने वाले हैं। इसके अलावा हमने एक आधे कटे हुए गिलास को भी इसकी एक साइड के ऊपर बांध कर रखा है जिसको हम वीडियो के लास्ट में दिखाएंगे कि इसका क्या यूज़ है। तो सबसे पहले हम इस ढक्कन को इस बोतल के ऊपर अच्छी तरह से टाइट कर लेते हैं। टाइट करने के बाद हम इसमें स्क्रू लगा देंगे। हमने जो प्लास्टिक की पत्तियां लगाई हुई है उसको इस बोतल के ऊपर अच्छी तरह से स्क्रू की सहायता से लगा देते हैं। दो स्क्रू इस बोतल के ढक्कन के ऊपर भी लगा देंगे ताकि इसका ढक्कन लूज ना हो सके। सारे स्क्रू लगाए जाने के बाद हमारी कैल्शियम कार्बाइड वाली पोटैटो कैनन तैयार है। अब इस बड़ी सी कैनन को चलाने के लिए हम इसमें डालेंगे छोटे छोटे कैल्शियम कार्बाइड के टुकड़े और उसके ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा पानी। पानी डालने के बाद हम इसके दूसरे छोर के ऊपर कागज का टुकड़ा वीडियो में दिखाए तरीके से लगा देंगे और उसके ऊपर लगा देंगे हम ये आधा कटा हुआ गिलास। इसके ऊपर लगाया हुआ कागज एक पर्दे का काम करेगा जो ब्लास्ट होने के बाद जोर से फटेगा और तेज साउंड क्रिएट होगी। अब इसके अंदर बनी एस्टलीन गैस को चिंगारी देने के लिए हम यूज़ करेंगे हमारे होममेड स्पार्कर का।